हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए हिप्नोटिस की गेम प्ले वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो यहां पे रोल चेक कर, ग्लूटनी है, ऊपर से हिप्नोटिस है, निंजा है और बाउंटी हंटर है, यानी चार चार बंदे किलर है। ऊपर से अगर मिनियन बना दिया तो पांच हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में स्पेस क्रू कभी नहीं जीतते। तो आपके गेम में ऐसे रोल आते हैं तो शुरू में मर जाएगा, स्पेस क्रू में ऑटो टास्क करके जीतेगा, वरना स्पेस क्रू हार नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा जिमिक था फ्लैशलाइट टॉर्च, और अभी कैमरा ऑन हुआ है, फिर से ऑफ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ वेंट में, क्योंकि बाउंटी है तो मैं नहीं चाहता कि बाउंटी के ऑटो शुरू में ही मर जाऊँ। यहाँ मैं वेंट में छुप जाता हूँ, यहाँ लाइट ऑन होती है, रेड की डेड बॉडी रिपोर्ट होती है, यहाँ पे सियान ने की है। तो चलो अब देखते हैं भाई, चार बंदे मर चुके हैं, तो अब मीटिंग में देखते हैं कि क्या डिस्कशन हो रहा है। रेड अपना डॉक्टर था, वो बॉडी लेके जा रहा था और पिंक बाहर मरा हुआ था। मैं सोच रहा था रेड रिवाइव कर देगा पिंक को, और सिक्योरिटी में कोई तो था, सियान था और ब्लू को निकाल। तो यहाँ पे चैट में देख रहे हैं तो ब्लू पर्पल को बोल रहा है, पर्पल ब्लू को बोल। मैं वार्डन हूँ, मेरे पास मेड बेस कैन है। तो यहाँ पे मेरे पे माइक आया, तो मैंने बोला कि ब्राउन अपना मेड पे दिखा देना और अभी ब्लू को निकालो। सब लोग बोल रहे हैं कि ब्लू ने मारा है सामने सामने, तो निकाल लो, बाउंटी हंटर होगा। देखो गाइस, मैंने हिप्नोटिस के टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में बोला है कि दो तीन बंदे किल हो जाते हैं, उसके बाद आपको मिनियन बनाना है। तो देखो यहाँ पे अब मैं किसी एक को मिनियन बनाऊंगा, तो मैं हम दोनों डबल किल करेंगे तो इजी गेम खत्म हो जाएगा। वहाँ पे सुन रहे हो, पर्पल मेरा पार्टनर है और मैं बाउंटी हंटर हूँ, पर्पल मेरा निंजा है। तुम सब पर्पल को निकालना दूसरे मीटिंग में, मैं सच बोल रहा हूँ, पर्पल मेरा पार्टनर है और मैं बाउंटी हूँ। तो देखो यहाँ पे ब्लू ने अपने पार्टनर को रिवील कर दिया था, और मीटिंग में ही पर्पल और ब्लू एक दूसरे पे डाल रहे थे कैसे पार्टनर आए हुए हैं। यहाँ पे वैसे पर्पल को ब्लू पे रिपोर्ट डालना चाहिए था सेल्फ बिट्रेट का, क्योंकि रोल रिवील कर रहा है अपने पार्टनर का। तो जब भी आपका इम्पोस्टर पार्टनर आपका रोल रिवील कर देता है, तो आपको ऊपर रिपोर्ट पे क्लिक करना है और सेल्फ बिट्रेट नाम के ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। अगर रिपोर्ट सक्सेसफुली होता है तो आपको आपकी ट्रॉफी भी माइनस नहीं होगी, आपको एक क्रिएट भी मिलेगा और आपको एक कार्ड भी मिल जाएगा। तो मीटिंग के बाद यहाँ पे फिर से गेम स्टार्ट होती है। ब्राउन ने बोला कि उसके पास मेडवे है, तो हम यहाँ पे ब्राउन का मेडवे देखने आए थे। तो देखो यहाँ पे मैं ब्राउन को मिनियन बना रहा था, लेकिन गलती से सियान पे चला गया। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे प्लेयर वैसे ही कम बचे हैं, तो जिसको भी मिनियन बनाओ चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ब्राउन अपना वार्डन है, तो मेरे को उससे थोड़ी दूरी रखनी होगी, नहीं तो अगर वो मेरे को कस्टडी में ले लेगा तो सीधा एग्जीक्यूट कर देगा, तो मेरी गेम यहीं पे बच जाएगी। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ ब्राउन से थोड़ा दूर और इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहा हूँ। तो इतने में ना व्हाइट की बॉडी पड़ी हुई थी, तो मैं अंदर जाके चेक करता हूँ कि कोई अगर अंदर होगा तो वही इंपोस्टर होगा। और इतने में मैं ब्राउन को मार देता हूँ और कोई व्हाइट की डेड बॉडी रिपोर्ट होती है। तो भाई क्या ही टाइमिंग थी। और यहाँ पे देखिए व्हाइट और ब्राउन दोनों मर चुके हैं और पर्पल ने बॉडी रिपोर्ट की है। आप देखो यहाँ पे सीन क्या हो रहा है। व्हाट, मैं मेरे को व्हाइट की बॉडी मिली भाई, गार्नेट है, गार्नेट ने भाई गार्नेट ने मारा होगा दिखता मेरे को लग रहा भाई। मैं कल भी रिपोर्ट किया उस मुगड़ा हुआ इलेक्ट्रिकल वहाँ पड़ा हुआ था, ये गार्नेट उधर से गया कौन सा है, सभी लोकेशन बोलो, सब लोकेशन बोलो, ये लोकेशन नहीं बोलेगा तो निकाल दें, लोकेशन बोल, गार्नेट लोकेशन बदल दे। तो गाइस पर्पल सबकी लोकेशन पूछ रहा है, आप लोग भी अपनी लोकेशन चैट में बोल लीजिएगा कि कहाँ थे आप लोग। तो देखो यहाँ पे मैंने पर्पल को समझाया कि खुद को वोट कर ले, तू नहीं जीतने वाला। वैसे भी हम दोनों यहाँ पे हैं, हम तो टीयर को ही सीधा वोट करने वाले हैं, ना ही हम यहाँ पे 1v1 करेंगे ना कुछ करने वाले हैं। अब यहाँ पे ब्लैक जैक तो था नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों ने बोल दिया कि ये मेरा मिनियन है, मैं उसका हिप्नोटिस्ट हूँ। तो सीधा हमने पर्पल को वोट आउट कर दिया, कोई 1v1 करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाओ, बैटरी भी बचाओ और दूसरी गेम खेलो। तो ये पहली गेम हम जीत चुके हैं, इंपोस्टर वर्सेस हिप्नोटिस्ट आया था, लेकिन हमने वोट आउट करके निकाल लिया क्योंकि टाइम नहीं है गाइस, बैटरी बचाओ और दूसरी गेम खेलो। तो गाइस अब आपको पता चल गया होगा कि कब आपको मिनियन बनाना है, अभी दूसरी गेम भी है वो देखो, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे रोल चेक करें तो फिर से बाउंटी हंटर आया है, ऊपर से ब्लैक जैक आया हुआ है, तो सोच समझ के वेंट करना होगा, नहीं तो मीटिंग में गेस होने के चांसेस है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कौन किसके साथ जा रहा है,
फिर मैं वहाँ से चला गया मेडबे की तरफ, अगर कोई नहीं होगा तो मैं वेंट कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे पिंक मेडबे दिखा रहा था। इतने में लाइट ऑफ होती है तो मैं पिंक के ऊपर ही खड़ा हो जाता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं चाहता तो पिंक को मिनियन बना सकता था, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं था क्योंकि मेरे को मीटिंग में बताना होगा कि पिंक सेफ है, पिंक ने मेडबे किया है। तो मीटिंग के बाद अगर कोई पूछेगा फिर से दिखा होगा, तो अगर मैंने उसको मिनियन ही बना लिया होगा तो वो मेडबे कैसे दिखा पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे पहले मिनियन मत बनाओ, थोड़ा सिचुएशन देखो बाद में मिनियन बनाओ। तो मैं तो वेंट में छुप गया क्योंकि भाई लाइट ऑफ है, ऊपर से बाउंड्री अंडर है, दो तीन को आराम से लाइट ऑफ में ले लेगा। और ब्लैक जैक आया हुआ है तो इसी खौफ से कोई ना लाइट ऑन नहीं करने जाता। और इतने में ब्लू ने मीटिंग बुला दी, तो यहाँ पे किसी ने लाइट ऑन कर दी होगी और ब्लू ने तुरंत ही मीटिंग बुला दी। और एक ही बंदा मरा है, मतलब इम्पोस्टर थोड़े कच्चे आए हुए हैं। तो देखते हैं मीटिंग में क्या डिस्कशन होता है अब। तो यहाँ पे तो सब लोग माइक स्किप कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे माइक में बोल लिया कि भाई पिंक सेफ है, पिंक को मार्क कर लो, तुम स्पेस करो, उसके पास मेडबे है, पिंक ने मेडबे दिखाया है। देखो गाइस, अगर आप माइक में कुछ बोलते हो तो राइट साइड जो अपनी चैट होती है उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना, वहाँ पे भी आपको कुछ सबूत मिल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ना मैं चैट पढ़ रहा था तो सियान अपने आपको बेटर बोल रहा था, इतनी देर तक लाइट ऑफ थी तो भाई बेटर होता तो लाइट ऑन कर देता, तो मेरे को सियान पर थोड़ा सख्त हो चुका था। और पिंक को यहाँ पे मैंने गुड गाय बोल दिया क्योंकि उसने मेडबे किया है। और मैं यहाँ पे ऊपर से फिर से एक बार चैट देखता हूँ, तो यहाँ पे ना मैंने सीधा वोट सियान बोल दिया क्योंकि यार बेटर नहीं होता तो लाइट ऑन कर देता, हो सकता है सियान बीजे की वजह से फेक रोल भी बोल सकता है। तो मुझे स्कैन कर लो, ठीक है, और मुझे स्कैन कर लो, मैं सेफ, मतलब मैं तो सेफ हूँ, ठीक है, रोल मत ड्रॉप करना, बीजे है ये में। और उसके बाद देखो अगर पिंक सेफ है तो पिंक टू ब्राउन के मतलब मेरे साथ रह सकता है, मैं सेफ हूँ, ठीक है। और आई थिंक रेड भी सेफ है, आई डोंट नो, क्योंकि रेड को मैंने देखा था वो डांस कर रहा था, तो मुझे नहीं पता पिंक तो मेरे। तो अभी आपने ध्यान से सुना होगा कि ब्राउन के साथ रेड था, मेरे साथ पिंक था, उसने मेडबे किया है, और ब्लू ने मीटिंग बुलाई है। तो बचते हैं अपने येलो, सियान, व्हाइट और ऑरेंज, तो इनमें से दो इम्पोस्टर होंगे। और सियान बोल रहा है कि ऑरेंज गाउल है। देखो इम्पोस्टर का पता होता है कि गाउल कौन होते हैं, कोई इम्पोस्टर नोब होते हैं तो वही बॉडी को छोड़ के चले जाते हैं जब भी गेम में गाउल होता है। तो और दूसरी बात, इतने टाइम में लाइट ऑफ थी तो सियान ने देखा कैसे कि वही गाउल है। तो यहाँ पे वोट आउट ड्रॉ हो जाता है, थोड़े बंदे सियान पे करते हैं, थोड़े ऑरेंज पे करते हैं, वोट आउट स्किप हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से गेम स्टार्ट होती है। अब मेरे को एक इम्पोस्टर मिल चुका था, वो सियान था, तो मेरे को अब सियान से दूर रहना होगा। दूसरे जो बचे हुए प्लेयर थे वो थे येलो, ऑरेंज और व्हाइट, तो इनसे भी थोड़ी दूरी बनाए रखना होगा। लेकिन इतने में ना ब्लू मीटिंग बुला देता है क्योंकि यहाँ पे कोई सैबोटाज भी नहीं हुआ था, ना ही किसी ने डोर क्लोज किए थे, और ब्लू मेरा सब्सक्राइबर था। तो चलो अब देखते हैं मीटिंग में क्या होता है। तो देखो अब ब्लैक जैक और बाउंड्री है, तो मेरे को एक तो मिल चुका है, तो मेरे को अभी एक को निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी मेरे को भी। तो यहाँ पे मैं माइक पे बोल देता हूँ कि सब लोग सियान को वोट करो, सियान एक इम्पोस्टर है, पकड़ा चुका है, क्योंकि सियान पिछली मीटिंग में बोल रहा था कि ऑरेंज गाउल है और ये मीटिंग में भी बोल रहा है कि ऑरेंज गाउल है। और आपने देखा भी होगा कि लाइट कितनी देर तक गई हुई थी, तो इसको कैसे पता चला कि यही गाउल है, क्योंकि अंधेरा था, तो अंधेरे में सिर्फ इम्पोस्टर को ही दिखता है। तो यहाँ पे मैं माइक पे क्लिक करता हूँ और फिर रैंडमली सोचता हूँ कि सियान का रोल ब्लैक जैक होगा या बाउंड्री हंटर होगा, दोनों में से एक तो है वो कंफर्म है। तो मैं यहाँ पे रैंडमली ब्लैक जैक सिलेक्ट कर देता हूँ ऐसे ही। और थोड़े टाइम के बाद ना मैं येलो को बाउंटी मार्क लगा देता हूँ, पता नहीं मैंने ऐसे ही मार्क लगा दिया था, लेकिन दोनों ही इम्पोस्टर निकले थे, लेकिन दोनों के रोल ऑल्टरनेट थे, अपना सियान बाउंटी था और अपना येलो ब्लैक चेक था। अब आप लोग मेरे को पूछना मत कि मैंने येलो को ही क्यों बाउंटी लगाया हुआ है, देखो मेरे को अभी याद नहीं है, जब मैं गेम खेल रहा हूँगा तब मैंने बहुत ही सोचा होगा, इसलिए मैंने येलो के वहाँ पे बाउंटी मार्क लगाया था। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज को वोट कर रहा हूँ क्योंकि पिछली मीटिंग में यहाँ पे टाई हो चुका था, तो मैं नहीं चाहता था कि फिर से यहाँ पे टाई हो। हालांकि मेरे को सियान को निकालना था, लेकिन यहाँ पे सब लोग ऑरेंज को बोल रहे थे तो मैंने ऑरेंज पे वोट डाल लिया। और इतने में ना सियान कब से बोल रहा था कि ऑरेंज गाउल है, तो उसके पार्टनर ने यहाँ पे गेस ले लिया, जो उसका पार्टनर था वो येलो है, अभी मीटिंग में अभी निकलने वाला है। तो यहाँ पे ना सियान की गलती की वजह से येलो ने ऑरेंज को गाउल गेस किया होगा, खुद मर चुका है। और मीटिंग में तो डिस्कस हुआ था कि ऑरेंज को वोट डालेंगे, लेकिन यहाँ पे तो रेड पे तीन वोट चले गए, पता नहीं ये मीटिंग पे क्या ही नशे हो रहे थे। यहाँ पे रेड निकल चुका है, अब देखो एक्सपर्ट मेट नहीं है तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि रेड का रोल क्या है। तो देखो रेड यहाँ पे न्यूट्रल है और एक इम्पोस्टर मर चुका है, यानी कि येलो ही ब्लैक जैक था। तो यहाँ पे फिर से गेम स्टार्ट होती है, अब ना यहाँ पे ना एक इम्पोस्टर निकल चुका है, अब एक ही बचा है वो बाउंटी है। तो यहाँ पे मैं एडमिन में जाता हूँ, पता नहीं क्यों गया था, मेरे को भी याद नहीं है।
तो एडमिन से मैं जैसे बाहर निकल रहा था तो वहाँ पे वाइट आ रहा था, तो वाइट को मैं अपना मीटिंग बनाने के लिए स्टार्ट ही कर रहा था। इतने में लाइट ऑफ होती है और लाइट ठीक हो जाती है और ब्लू ने यहाँ पे मीटिंग बुला ली है। तो ब्लैक जैक तो निपट चुका है, तो अब शायद से सब लोग रोल बोलेंगे। तो देखते हैं मीटिंग में अब क्या डिस्कशन होता है और सब लोग अपने रोल क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्लू ने तो सीधा माइक ही स्किप कर लिया, तो मैंने माइक ऑन करके बोला कि चलो सब लोग अपना रोल ड्रॉप करो, ब्लैक जैक मर चुका है। तो यहाँ पे ना सियान मेरे को सस बोल रहा था क्योंकि मैंने पिछली मीटिंग में सियान को निकालने की बात बोली थी और मैं यहाँ पे माइक में कुछ बोला भी था, इसलिए यहाँ पे सब लोगों ने सियान को निकाला था। तो यहाँ पे ना सियान को निकाल दिया, सियान अपना बाउंटी हंटर था। तो दोनों इंपोस्टर निकल चुके हैं, मेरे लिए अच्छी बात थी। अब देखो बंदे बहुत ही कम बचे हैं, तो अब मेरे को मिनियन बनाना होगा। तो जल्दी से मेरे को मिनियन एक को रैंडमली सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं एडमिन में जाता हूँ फिर से क्योंकि वहाँ पे कॉमन टास्क अपना कार्ड स्वाइप वाला था। तो ब्लू मेरा सब्सक्राइबर था तो मैंने यहाँ पे उसको मिनियन बनाने का सोचा था। तो मैं फिर से ब्लू के पीछे जाता हूँ और उसी को ही अपना मैं मिनियन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली मैंने ब्लू को अपना मिनियन तो बना लिया है। तो अब मैं ब्लू से दूर जा रहा हूँ ताकि बंदों को शक ना हो कि यार ये दोनों हिप्नो मिनियन ने बन गए, साथ साथ घूम रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा कूलडाउन भी हो चुका था और ऑरेंज मेरे साथ आया था और पिंक दूसरी तरफ गया था। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज को मार दिया और सीधा वेंट करके रिएक्टर की वेंट से बाहर निकला और फिर से यहाँ पे रिएक्टर के लोअर वेंट में चला गया और लोअर इंजन में से बाहर निकल जाता हूँ। तो इतने में गेम खत्म हो जाती है, शायद से मेरे पार्टनर ब्लू ने दूसरे एक को मार दिया होगा पिंक को। और जीजी गाइस यहाँ पे दोनों गेम हम जीत चुके हैं। तो आई होप गाइस अब आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि कब आपको मिनियन बनाना है। आपको शुरू शुरू में मिनियन नहीं बनाना है, आपको देखना है, सिचुएशन देखना है, सभी के रोल भी जानने हैं, फिर आपको मिनियन बनाना स्टार्ट करना है। तो आई होप गाइस आपको ये हिप्नोटिस की गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करो अपने दोस्तों को और चैनल पे जितने भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड बाय बाय। Fear the puny impostor.